उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जनप्रतिनिधियों ने आगामी ईद पर्व को लेकर मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। आपको बता दें कि मुरादाबाद के जनप्रतिनिधियों ने मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और आगामी ईद का पर्व शांति से मनाए जाने के विषय पर चर्चा की। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने आगामी ईद पर कुर्बानी किए जाने और 1 जुलाई से 2 जुलाई को लगने वाले लॉकडाउन के विषय पर मांग की गई कि ईद उल जहा और रक्षाबंधन का पर्व होने की वजह से लॉकडाउन नहीं लगाया जाए। वहीं नवाबपुरा के मामले में दोबारा जांच कर बेगुनाह लोगों को इंसाफ दिलाने की भी गुहार लगाई गई। डॉक्टर एसपी हसन और विधायक हाजी इकराम कुरैशी सहित मोहम्मद फहीम इरफान ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करके ईद पर्व को लेकर चर्चा की गई और इस दौरान 1 और 2 जुलाई को लॉकडाउन ना लगाने की गुहार भी लगाई गई। इस मौके पर सांसद एसटी हसन, विधायक हाजी इकराम कुरैशी, विधायक नवाब जान खान, कुंदर की विधायक हाजी रिजवान बिलारी, विधायक मोहम्मद फहीम इरफान के अलावा सपा जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव मौजूद रहे। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दिल्ली की रिपोर्ट दिया। हम लोगों ने सारी समस्याओं पर बात की है, जितनी भी परेशानियां हैं, जानवरों को जो पुलिस तंग कर रही है इस मसले पर भी हमने बात कर ली और हमने ये मांग भी की है कि 1 अगस्त को, 2 अगस्त को और 3 अगस्त को लॉकडाउन नहीं रहना चाहिए। तो इस सिलसिले में क्या आश्वासन दिया एसएसपी साहब? जो सरकार की गाइडलाइन आएगी उस पर अमल। मतलब ये जानवरों पर खरीद वरीद पर कोई पाबंदी? जानवर खरीद फरोख पर कोई पाबंदी नहीं है और जानवर को, कुर्बानी के जानवर को कोई रोकेगा। अच्छा, ये सुना है कि जिले के एक सपा विधायक के मवेशियों को भी रोक लिया गया था, क्या ये खबर सच है? इनके एक सपा विधायक के मवेशियों को भी पुलिस ने रोक लिया था, जबकि वो ऐसा था नहीं था कि गोवंशीय पशु हो बल्कि काले पशु थे। अब मुझे पता नहीं सर। अच्छा, शुक्रिया। मतलब आप एक विधायक होने के नाते अब क्या कहना चाहते हैं सारे मुरादाबाद? हमारे 4 विधायक और मैं खुद कप्तान साहब से मिले हैं। ईद का त्यौहार सर पर है, बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। एक तो जानवर के मूवमेंट के ऊपर परेशानी आ रही है, जिसको कप्तान साहब ने इस बात को कहा है कि अब परेशानी नहीं होगी, जानवर के खरीदो फरोख के ऊपर कोई किराए नहीं। दूसरे, कुर्बानी कैसे की जाएगी? लोग अपने घरों के अंदर कुर्बानी कर सकते हैं, बड़े जानवर की भी या छोटे की भी, जहाँ वो क्या करते थे, लेकिन सामूहिक कुर्बानी नहीं। जैसे एक गांव के लोग दूसरे गांव में चले जाते थे, सड़कों पे, गलियों में, नाली के डंडों पे कुर्बानी नहीं, ये तो मसला था। लोग दूसरे गांव में कुर्बानी करने जाते थे, तो इसका मतलब इस बार वो कुर्बानी नहीं करते? नहीं, कप्तान साहब ने कहा कि हम इस बात को और डिस्कस करेंगे डीएम साहब से और हो सकता है इसका भी कोई हल निकाल लें। लॉकडाउन यहाँ पे नवाबपुरे का मसला है, लोग बहुत परेशान हैं, काफ़ी दिन से जेलों में भी हैं, उनके सिलसिले में भी बात हुई है। हम सबके साथ इंसाफ चाहते हैं, हम सब ने इस बात को कहा, क्योंकि वहाँ पर एक मसला महिलाओं का हुआ, महिलाएं उस स्पॉट से तकरीबन 300 मीटर दूर थी और वो जो पत्थरबाजी हो रही थी, वो पत्थरबाजी कुछ दंगाइयों के ऊपर हो रही थी, ना कि डॉक्टरों के और पुलिस के ऊपर हो रही थी। बहुत से लोग ऐसी धाराओं में चले गए हैं जिसमें उनको नहीं जाना चाहिए था। हमसे कप्तान साहब ने इस बात को कहा है कि सबके साथ इंसाफ होगा, हम पूरी इंक्वायरी करके इस मसले को भी कराएंगे। लॉकडाउन के विषय में क्या बात रहेगा सर? लॉकडाउन तो जो शासन के आदेश आएंगे उसके हिसाब से होगा, वो इनके हाथों में नहीं होता। अगर शासन का आदेश, जो गाइडलाइन आएंगी उसी के हिसाब से लॉकडाउन होगा। ईदगाह के सिलसिले में भी बात हुई है, शाह मुकम्मल साहब की दरगाह में जाने में परेशानी हो रही है, ईदगाह अभी तक सील है और ईदगाह के चौराहे की एक रोड भी 4 महीने से बंद है, उसके सिलसिले में भी बात हुई है और उसको भी खुलवाने को कप्तान साहब ने इंक्वायरी करके खुलवाने की वादा कर। मुरादाबाद के अवाम से क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि त्यौहार आ रहे हैं, खुशियाँ मनाने का वक्त है, बहुत ही पुरसकून तरीके से त्यौहार मनाएं। इस वक्त हम और हमारा पूरा मुल्क एक जंग लड़ रहा है कोरोना के खिलाफ, और उसमें हम सबको साथ देना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमसे किसी और को कोरोना ना हो जाए या किसी वजह से ना फैले। इस सिलसिले में मैं तमाम ही आवाम से कहना चाहता हूँ कि अपनी भी हिफाजत करें और दूसरों की भी हिफाजत करें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.